खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसको घर कर दे। होम इज़ अ प्लेस वेयर द हार्ट इज़, देयर इज़ नो प्लेस लाइक अ होम। होम इज़ नॉट अ प्लेस, इज़ द नेम ऑफ द फीलिंग्स। जी हाँ, इसी को, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कैपिटल स्मार्ट सिटी आपके लिए बिल्ड कर रहा है एक स्मार्ट पाकिस्तान। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया जाता है। इसके लिए मैं दावत दूंगी कारी नुमान सैफी को स्टेज पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंज़ुरूना इलल इबिलि कैफ़ा खुलिक़त, وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر كير إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، صدق الله العظيم. آپ سب سے گزارش ہے نیشنل اینتھم کے لیے کھڑے ہو جائیں. Ever smart city of Pakistan. The company has the honor to start Lahore Smart City after the overwhelming success of Capital Smart City. Yes, we are building a smart Pakistan. In view of growing housing demand in the twin cities, Capital Smart City is a new eco-friendly destination. I would like to introduce our group's COO of Capital Smart City, Mr. Malik Muhammad Aslam. And I would like for the opening remarks. Malik Muhammad Aslam Sahab has a 37 years experience in the Nabudu Nasalila Rasul El Kareem, Ammabad, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallah Zi Sakhara Lana Haza. बहुत अजीज सेल पार्टनर्स, मौजूद खवातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका FDHL कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की जानब से खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबका मशकूर हूँ कि आप सब लोग अपनी बहुत ही मसरूफियत वक्त में से ये वक्त जो हमें दिया आपने, अपना कीमती वक्त,
वो यहाँ निकाला और इस महफिल की रौनक को दुबाला किया। मैं आपको बहुत मशकूर हूँ। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तलावत करने की रिसालत की है, ये नॉर्मली सफ़र, जब एक सफ़र शुरू किया जाता है उस पर ये तलावत जो है वो आयत करीमा तलावत की जाती है। आज मुझे फ़ख्र है कि आज आपके सामने जो प्रोजेक्ट हम पेश करना चाहते हैं, ये एक नई तर्ज का प्रोजेक्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने ये तलावत, इस आयत की तलावत की है। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमने वर्टिकल डेवलपमेंट का आगाज़ किया है। और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, जिसका नाम वन कैपिटल रेजिडेंस है, उसका हमने आज ग्राउंड ब्रेकिंग की है। मैं आप सबको इसकी शुरू करने की के वक्त पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग, मेरे कुलीग, मेरी टीम के मेम्बरान और मेरे सेल पार्टनर्स, इसमें हम दोबारा जिस तरह पहले हमने दिन रात मेहनत की थी, उसको दिन रात मेहनत करेंगे और इसको कामयाब करवाएंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको कुछ ख़ास बातें नहीं बताऊंगा, वो मेरे कुलीग और टेक्निकल टीम मेरी आपको बताएगी। मगर मेरे पास एक बड़ी अहम खबर है, जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से रोकी हुई है, क्योंकि अहम खबरें अक्सर मुजीब साहब चुरा लेते हैं। आज मैंने उनको खबर नहीं होने दी इस अहम इंफॉर्मेशन के बारे में। तो मेरा ख्याल है कि मैं एक ही खबर आपको दे के आपसे इजाज़त चाहूँगा। असल में बात यह है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी पाकिस्तान की एक वाहिद स्मार्ट सिटी है, जिसके लिए इंटरचेंज जो है वो अप्रूव हो चुका है। ऑफ कोर्स इसमें हमें बहुत टाइम लगा, बड़ी एफर्ट लगी और बहुत ज़्यादा तरद्दत करके हमें ये सारा प्रोसेस पूरा हुआ। इसका आखिरी प्रोसेस जो है वो NHA की अप्रूवल के बाद FWO की टेक्निकल अप्रूवल भी होती है, जिसके लिए आपको पता होगा NHA ने वो अप्रूवल लेटर जो है FWO और मोर को लिखा जा चुका था। और आइंदा चंद दिनों में यहाँ बहुत से अहम इनॉग्रेशन होने जा रही हैं, इसमें न्यू टेक शामिल है और बहुत से और अदारे शामिल हैं। इन द मीन टाइम हार्ले जो क्लिनिक है वो अपनी जगह ले चुके हैं हमसे, और न्यू टेक जगह ले चुकी है, मगर अब ऑफिशियली इफ्तिताह होने वाला है। नमल NDU और पिछले चंद दिन पहले ही जो SPD का अदारा है NCAF, वो हमसे अपनी पोजेशन ले चुके हैं। इनको काम को शुरू करने के लिए एक टेक्निकल अप्रूवल चाहिए थी FWO की तरफ से, जो एक टेम्प्रेरी रास्ता मिलेगा हमें जहाँ से हमने ये इंटरचेंज शुरू करना है, और इंटरचेंज की कंस्ट्रक्शन के लिए भी एक टेम्प्रेरी रास्ता शुरू करना था। उसकी अप्रूवल के लिए FWO यहाँ हमारे यहाँ विजिट कर चुका है, जो कि कल हुआ है। यह खबर मैंने मुजीब साहब से छुपा के रखी हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इंतहाई शुक्र है, वो हमें अब उसकी टेक्निकल अप्रूवल दे के गए हैं कल, और बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो वर्टिकल हमारी डेवलपमेंट, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, उसका शुरू होने जा रहा है आज से काम, और आइंदा चंद महीनों में हम दूसरा पॉइंट भी शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग, इस तरह पहले आपने सबने हमारा साथ दिया, हमारा साथ देंगे, और इस तरह ही हमारे सारे प्रोजेक्ट को कामयाब करेंगे। आप अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद। The most iconic hero of the capital smart city, I would like to welcome you on the stage. Mr. Mujeeb Ahmed Khan is MBA from Air University and having a gold medal. His work experience has more than with over 15 years with HRL, that is Habib Rafiq Limited. He is also working, he is right now working with the sales and marketing. Thank you very much. जितने लोग यहाँ आज तशरीफ़ आए, उन सब का मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि वह यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा जिनको आज हम इधर दावत नहीं दे सके, बिकॉज़ के यहाँ हमारे पास जो अरेंजमेंट थी
वो काफ़ी लिमिटेड थी और हम एक शॉर्ट सा क्विक सा फंक्शन चाहते थे। रिसेंटली वी हैव डिसाइडेड कि हमारे जो भी यूके में रोड शोज नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहे हैं, उन रोड शोज से पहले हम अपनी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं जो एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट हों। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम मलिक साहब ने कैपिटल स्मार्ट सिटी की वीडियो बनवाई और हम उसके अंदर वर्टिकल बिल्डिंग्स देखते थे, तो क्वेश्चन था कि ये बिल्डिंग्स हमारी कब स्टार्ट होंगी और वो जो व्यू हम प्लेन से देखते थे वो कब से हम उसको रियलाइज़ करना शुरू करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया है कि हमारा एक सिग्नेचर बिल्डिंग, वेल थॉट आउट प्रोजेक्ट, और मेरे ख्याल से जो प्रोजेक्ट आज इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये इट्स नेवर सीन बिफोर प्रोजेक्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उस प्रोजेक्ट को आप इंतहाई पसंद भी करेंगे। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या हैं उसको मैं इंट्रोड्यूस करने से पहले अपनी जो मीडिया टीम है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रोजेक्ट का जो लोगो है उसको रिवील किया जाए। थैंक यू। कैपिटल रेजिडेंसीज, आपको एक और बात बताना चाहूँ कि जब हम नाम रख रहे थे तो सबसे पहले जो मेरे दिल में नाम आया था वो वन कैपिटल था, और उस टाइम मैनेजमेंट ने वेरी काइंडली ग्रूव किया था कि आपका पहला आइडिया जो है हम इसको ग्रूव करते हैं, तो ये इस बिल्डिंग के साथ मेरा ये भी लगा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स, बड़ी लिमिटेड डिटेल्स बताऊंगा, वी हैव आवर एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिज़ाइन टीम वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं फर्दर डिटेल्स की तरफ जाऊं, हमारी एक इसकी शॉर्ट सी डॉक्यूमेंट्री इसे कह लें या शॉर्ट फिल्म कह लें 2 मिनट्स की इस प्रोजेक्ट की डिटेल के हवाले से वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं अपनी मीडिया टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी जो इसकी शॉर्ट फिल्म है वो शोकेस की जाए। थैंक यू। People often say, you're just walls with windows. You don't have an identity. You are on your own. You are just an apartment. But we know you are not just that. You are smart, much more than that. You are one Capital Residencies by Capital Smart City. Pakistan's first smart apartment living concept. One Capital Residencies, more than just an apartment. Designed by the award-winning designer, Daniel Zayl Ortiz from Spain, One Capital Residencies offers luxury apartments to suit your lifestyle. A colossal structure design with smart corridors and rooms. Overlooking the Central Park, this self-sustained gated community comes with outstanding features. Restaurants, food court, supermarket, and a wellness center. Conference rooms. High-speed internet connectivity with multiple and individual offices. Kids' play areas, pergolas and walkways. As they say, all life thrives near water. One Capital Residencies has a lagoon of its own. Capital Smart City comes with all the amenities a modern smart city offers. One Capital Residencies, much more than an apartment. We are building a smart Pakistan to match international lifestyles so that those who live overseas do not feel any compromise on their living standards, and those living in Pakistan feel that they are truly living a smart life. Thank you.
Yes, you are not just an apartment. ये जो प्रोजेक्ट है ये अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट है एक कम्युनिटी का जो यहाँ रहेगी। इट्स नॉट अ टिपिकल प्रोजेक्ट। इससे पहले आपने पाकिस्तान में देखे होंगे ये टिपिकल बिल्डिंग है अपार्टमेंट की। शुरू से जो हमने कहा है कि ये जो सिटी है इस सिटी को एक कम्युनिटी ने आबाद करना है और ये एक हमारी कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी है जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है इट्स अ वेल बाउंडेड प्रोजेक्ट गेटेड कम्युनिटी। वी हैव 4 टावर्स इस कम्युनिटी के अंदर। इनिशियली इस कम्युनिटी के अंदर विल बी टेकिंग 2 टावर्स टू द क्लाइंट्स और उसके जो रेट्स हैं उसकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे वरना आपका सारा ध्यान प्राइस की बजाय खाने के ऊपर चला जाएगा। वो एंड पे शेयर करूँगा मैं। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे बड़ी USPs है उसको अगर आप देखें तो इस प्रोजेक्ट का जो टोटल एरिया है डेट इज़ 287 कनाल। और अगर 287 कनाल्स में जो हमारा बिल्डिंग का जो फुटप्रिंट एरिया बनता है वो डेट इज़ ओनली 30%। तो जस्ट इमेजन कि 287 कनाल के अंदर सिर्फ हम जो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं वो हम 30% एरिया के अंदर खड़ी कर रहे हैं। ये जो बिल्डिंग्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में अराउंड 105 किलोमीटर के वॉकवेज हैं। देन यू हैव अराउंड 60,000 स्क्वायर फीट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। यू हैव योर ओन वाटर लैगून्स। आपके पास रेस्टोरेंट हैं, आपके पास कैफेज हैं, यू हैव पूल्स, यू हैव शॉप्स। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने इस कम्युनिटी को मद्देनज़र रखते रखी हुई है वो इसके सर्विस अपार्टमेंट्स और सर्विस ऑफिसेज हैं। चलें सर्विस अपार्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर से अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और आपके पास गेस्ट आते हैं एंड देन यू डोंट हैव अ प्लेस फॉर द गेस्ट तो उनको स्टे करवाएं, तो विद इन दिस कम्युनिटी विल हैव आवर सर्विस अपार्टमेंट जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने गेस्ट के लिए एंड दैट कैन ऑल्सो बी लीज टू डिफरेंट कंपनीज एज वेल। इसके अलावा जो सर्विस ऑफिस का कॉन्सेप्ट है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर वो ये है कि बहुत सारे जो हमारे लोग होंगे इधर रहने वाले दे माइट बी नीडिंग अ डेस्क और ये जो डेस्क होंगे सर्विस ऑफिस डेस्क हैं ये हम लीज पे लोगों को देंगे ताकि यहाँ के और ये सिर्फ इस कम्युनिटी के लोगों के लिए होंगे। सर्विस ऑफिस ये किसी के बाहर की कम्युनिटी के लिए नहीं है क्योंकि बाहर से लोग आएँ और वो इसको इन ऑफिस को यूज़ करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी जो मेंटेनेंस है इसकी जो बाकी चीज़ें हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो हम अपने जो रेजिडेंट हैं उनसे जो हम मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे वो शायद इतने इनफ ना हो। तो इसका बेसिक पर्पज़ ये था जो हमारे सर्विसेज ऑफिस हैं कि इसकी जो इनकम है इसके थ्रू हम इस बिल्डिंग की जो अमेनिटीज़ हैं उसको परमानेंटली अवेल करें। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है इसके डिज़ाइन एलिमेंट के हवाले से कि अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो ये दो चीज़ों से इंस्पायर्ड है जो हमारी फर्दर जो टीम है वो आपको पिक्टोरियल अपडेट के साथ बताएगी। ये जो इंस्पायर्ड है ये डिज़ाइन डेट वॉज इंस्पायर्ड बाई द व्यूज ऑफ मार्गला हिल्स एंड खैरी मोरक। और आपको जब इसके डिज़ाइन के बारे में पता चलेगा फर्दर डिटेल्स में देखेंगे तो इसके जो टॉप है वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमारी मार्गला हिल्स हैं और प्लस इसी तरह की ग्रीनरी का इम्पैक्ट दे के हमने एट द एंड वही कोशिश की है कि हम एक इम्पैक्ट दे सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इसके डिज़ाइन के अंदर कि ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हॉप वॉच के अंदर डिज़ाइन किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने हमारी जो डिज़ाइनर हैं डॉक्टर डैनियल जो स्पेनिश डिज़ाइनर हैं उन्होंने 1.5 ईयर्स जो है इसके ऊपर मेहनत की इसको डिज़ाइन किया और इसको तकरीबन 1.5 साल लगा इस बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में आर्किटेक्चर डिज़ाइन में। और यही जो बिल्डिंग इसका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है ये वही कंपनी कर रही है जिसने इससे पहले बैरी आइकन टावर जो एवरीवन नोज के पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग है जिसने उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है वही इसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रही है। तो आई होप के इंशाल्लाह जो फर्दर डिटेल्स हैं उस डिटेल्स को आप सुनेंगे और उसे महसूस देंगे। उस डिटेल के बाद इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगा उस चीज़ के लिए जिस चीज़ का आप इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच। बुलाना चाहूँगी मिस्टर
Imran Aslam, who is the general manager and the senior architect of Captain Smart City. He is associated with the company for last 8 years and having a total experience in relevant field of 12. आज मैं आपको वन कैपिटल जैसा ऑलरेडी मलिक हसन साहब बड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं उसके बारे में आपको टेक्निकल ब्रीफिंग दूंगा अपने प्रोजेक्ट की। वन कैपिटल रेजिडेंस मोर देन जस्ट एन अपार्टमेंट, यूनिक More than just an apartment, unique and a distinct living. It's not only an apartment project, ये बल्कि हम एक लाइफ स्टाइल लेके आ रहे हैं आपके लिए जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे डिज़ाइन किया गया है। और इसका जो आर्किटेक्ट है वो हमारे स्पेनिश आर्किटेक्ट है आर्कीव्यू डैनियल फ्रेल, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। एंड वी स्पेंड अराउंड 1.5 ईयर इन इट्स डिज़ाइनिंग। दिस प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड बाई द आर्ट एंड द नेचर ऑफ मार्गला हिल्स, के जो इसके जो कंटूर्स आपको मार्गला हिल्स के नज़र आ रहे हैं, जो आपको लैंडस्केप इसका प्रॉपर नज़र आ रहा है, हमने सेम वही लैंडस्केप अपना बिल्डिंग के टॉप टेरेसेस पे आपको नज़र आ रहा होगा, हमने इसको उधर इम्प्लीमेंट किया है। नाउ दिस इज़ द लोकेशन ऑफ वन कैपिटल रेजिडेंस, ये हमारा ओवरसीज ईस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे प्रोजेक्ट का टोटल एरिया 287 कैनाल है, जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट जो बिल्टअप एरिया है वो 30% है और बाकी स्पेस जो 70% है वो हमने ग्रीन एरिया के लिए उसको अवेल किया हुआ है। अब मैं आपको इसका लेआउट डिटेल्स के बारे में मज़ीद कुछ डिटेल्स बताऊंगा कि वी हैव अराउंड 5 टावर्स इन इट, जिसके रेजिडेंशियल टावर्स इसके अंदर हमारे 5 हैं, जिसके अंदर हमारे जेट और एंडर सिल्वर बेल एमरेड एंड द डेजी टावर आ जाते हैं। टेक्निकल ब्रीफ दूँ, इसके अंदर हमारे पास हर टावर के अंदर जो हमारा जेट टावर और एमरेड टावर है उसके अंदर जो हमारे अपार्टमेंट के कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को डिफाइन किया, उसके अंदर हमारे पास स्टूडियो 1 बेड एंड 2 बेड अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, जबकि जो हमारा ऑरलैंडो और सिल्वर बेल टावर जो है उसके अंदर हमारा 1 बेड 2 बेड 3 बेड एंड देन 2 बेड डुप्लेक्स 3 बेड डुप्लेक्स एंड 4 बेड डुप्लेक्स हमारे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में टोटल अपार्टमेंट्स 1738 अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में हमारे पास सर्विस अपार्टमेंट्स हैं और सर्विस ऑफिस हैं। एंड अदर देन दिस हमारे पास इसके अंदर तो किंगडम गार्डन है नर्सरी बच्चों के लिए, जो इस नर्सरी है जो कि हमारा किंगडम गार्डन और इधर की कम्युनिटी के लिए सर्व करेगी। देन उसके अलावा वी हैव अ मॉस्क इन दिस लोकेशन एंड वी हैव अ कम्युनिटी एंड वी हैव अ कम्युनिटी सेंटर ओवर हियर, जिसके अंदर हमारा रिटेल आउटलेट्स कॉफ़ी शॉप्स और हमारा शॉप एंड डाइन के सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। देन वी हैव अ लेगून एरिया, दिस एरिया इज़ द लेगून एरिया, दिस एरिया इज़ द लेगून एरिया, और इसको जब हम अपना फर्दर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ से और फर्दर आगे डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास इसके अंदर दो तरह की ऑप्शन है। हमारे अपार्टमेंट्स को दो व्यूज़ मिल रहे हैं, एक लेगून व्यू और दूसरा बुलेवर्ड व्यू है। जो आउटर साइड पे हमारे आ रहे हैं वो हमारा अपार्ट बुलेवर्ड व्यू है, रोड साइड व्यू, और जो विद इन द कम्युनिटी आ रहे हैं, जो विद इन द कोर्टयार्ड और द लेगून साइड आ रहे हैं, उनका लेगून व्यू के नाम से है। नाउ वी हैव अराउंड 1738 अपार्टमेंट्स इन इट एंड वी हैव 90,000 स्क्वायर फीट वन सर्विस ऑफिस विच कंप्राइजेज ऑफ अराउंड 2,000 वर्किंग डेस्क इन दिस building. We have 130,000 square feet retail services, 160,000 green
square feet green areas, 30,000 square feet water services, and 60,000 square feet for the sport facilities, 43,000 feet footing circuit. It's around 1.75 kilometer walking track over here for the jogging and the walkway. I have a request to Madam Aruj, our senior architect, who is leading this project. She will brief you about the amenities and the special features of this project. Assalamu alaikum and good afternoon, good evening. Telling you about the amenities of One Capital. Basically, we are not like building just an apartment building for the screen previously. It has a lot of facilities, like starting from luxury living and sports facilities. In luxury living, we have around more than 1,700 residences from 2 to 3 residences. And other than that, we have a community surrounded by 60,400 square feet of sport facilities, which has gyms, swimming pools, skate parks, basketball court with 1.575 kilometer walkway. Now, we are also providing you a co-work facility in which Mr. Mujib Ahmed Khan already told you that what is actually a service offices. Service offices mein, jaise unhone bataya ki we are also giving you a space to rent out at hourly basis. Ki aap apna ek desk rent out kar sakte hain, uske upar aap apna kaam kar sakte hain. You don't need to take that place for month or like for longer period of time. So service offices ka area jo hamare paas hai, that is 90,000 square feet, jiske andar hamare paas open space areas hain, conference rooms hain, high speed internet connections are multiple or individual offices hain. Now coming towards retail, leisure and entertainment, 1,31,000 square feet of area hai hamare paas retail aur F&B ka. Restaurants aate hain, coffee shops hain, food court hain, retail shops हैं, सुपर मार्केट्स हैं और वेलनेस सेंटर्स हैं. अदर देन दैट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब द इंस्पिरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो है हमने नेचर से इंस्पायर्ड होके किया है, जिसके हमने मार्गी हिल्स की जो कॉन्टूर्स हैं उनको उठा के अपनी स्काईलाइन को बिल्ड किया है. तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने लैंडस्केप को beautifully designed kiya and we have taken care of all the basic needs, basic spaces, green spaces jo ke is apartment building mein honi chahiye. Jaise ki we have central park se leke roof garden tak is important facilities. We have kids playground areas, barbecue spaces, pergolas, walking paths and which are located inside the park, but it has no cars and no vehicular access. It will be totally for the people inside living. This is the most important aspect of this whole project, which is a crystal lagoon, and this is the day view and night view of the crystal lagoon, and it is actually centrally located in One Capital Residence. Now moving on towards the 3D renders. Thank you so much, Madam Aruj. Now I'll explain you. Now I will explain you the 3D renders and the technical details of this project. This is the entrance gate render. Next, the courtyard aerial view, the laguna night view, laguna view in the daytime. These are the outdoor landscape areas, rooftop swimming pool, laguna view, terrace view, deep pool area, complex living area, living area of the standard apartments, bedroom, kitchen designs or the kitchens, the bath designs, duplex double height area, duplex double height entrance lobby of our each building, which is designed on international standards and a modern and the contemporary style. Gymnasium, cafe, nursery. This nursery is for the kids.
those who are living in this community. This is this serve for them, and this is as a this will serve as a kindergarten for the kids. Community center, top view. Laguna, surrounding areas. Parking views, green parking we are showing over here. Now again, the outdoor landscape. As I already told you, we have only 30% built up area and the 70% green spaces in this development. Water mirror for the kids. And this is the kids play area. Warm eye view of our one of the building. This is the night view of the Laguna again. Night view of the pool area in the community center. There's three facades. This is the kindergarten, and this nursery is designed for the kids. Restaurant, outdoor sitting area in the commercial and the community center. Restaurant, terrace sitting areas. Now I will explain you about the technical details of the towers. जिसके अंदर मैं पहले शुरू करूँगा जेट टावर को, उसकी सेल किट के बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर, जैसे मुजीब साहब आपको फर्दर इसके सेल्स के बारे में बताएंगे, मैं आपको टेक्निकल डिटेल्स कुछ इस प्रोजेक्ट की बताऊँगा. दिस इज द जेट टावर ग्राउंड फ्लोर, जिसके अंदर हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट, वन बेड अपार्टमेंट एंड टू बेड अपार्टमेंट अवेलेबल हैं. इसके अंदर हमारे पास ग्राउंड फ्लोर से लेकर सिक्स फ्लोर तक टिपिकल फ्लोर चल रहे हैं, एंड आफ्टर दैट जो सेवन्थ फ्लोर से लेके जो नाइन्थ फ्लोर तक है वो हमारे टेरेसेस और उसके अंदर फ्लोर में चेंजिंग आ रही है, जो मैं आपको फर्दर फ्लोर्स के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा. द फर्स्ट फ्लोर द टिपिकल फ्लोर, वी हैव सिक्स एंट्रेंसेस, डिफरेंट एंट्रेंसेस, एंड वी हैव अराउंड 12 लिफ्ट्स इन इट. वी हैव थ्री कार्गो लिफ्ट्स एंड अराउंड 9 we have passenger lifts. We have 6 emergency exits, जिसके अंदर हमने इसको fire and life safety के हिसाब से proper design किया हुआ. Now the third floor, the same, the fourth, fifth, and the sixth floor. Now on the seventh floor, our planning is going to be changed, और इसके अंदर हमारे terraces define हो रहे हैं, जहाँ पे हमारा टेरेसेस पे डेप पूल्स आ रहे हैं, और जो हमारे जो कॉर्नर के जो प्राइम लोकेशन हमारे अपार्टमेंट्स होंगे उनको डेप पूल की फैसिलिटी अवेलेबल होएगी. नाउ दीज आर द डेप पूल्स ऑन दीज टेरेसेस. नाउ अगेन ऑन द एट फ्लोर, एज यू सी दिस टेरेसेस आर गेटिंग द सेट बैक ओवर देयर, एंड वी आल्सो हैव द डेप पूल ऑन दीज टेरेसेस. These setbacks create a very beautiful impact on the building facade. Now, this is the jet tower sales kit. Now, I'll explain you the layout plans of the apartments. This is the layout plan of a one bed apartment. This is the corridor, and when we enter from the corridor, so इसके अंदर हम living area में enter होते हैं. Right side पे हमारा एक अमेरिकन किचन डिजाइंड है, और यहाँ पे हमारे पास पाउडर रूम है. नाउ वी हैव वन बेडरूम ओवर हियर, और बाहर हमें एक बहुत बड़ा और अच्छा लग्जरी स्टाइल का हमें टेरेस और बालकनीज मिल रही हैं. वी हैव वन अटैच बाथरूम विद इट, और हमारे यहाँ पे हमने एक वार्डरोब इसके साथ लिविंग में भी ऐड की है, जो कि हमारा हमारा शू रैक और कोट हैंगर्स और इन पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है. We have also wardrobes in the apartment. आपने normally अभी जिस तरह हमारी market में working हो रही है, तो बहुत कम square feet areas के ऊपर apartment designs किए जा रहे हैं, वो compact spaces हैं. हमारा जो project है ये एक बहुत luxury और spacious design है, और इसके अंदर हमने luxury को सबसे ज़्यादा importance दी है. Now this is a two-bed apartment. Two-bed apartment में when we enter into the corridor, तो हमने इसको अपने design को इस तरह से cater किया है कि हमने इसको दो parts में divide किया हुआ है. Like
प्राइवेट एरिया एंड द सेमी प्राइवेट एरिया। जब हम कॉरिडोर से एंटर होते हैं तो हमारा यहाँ पे दो बेडरूम अवेलेबल हैं। जब अगर यहाँ से फिर हम लेफ्ट पे लिविंग एरिया में एंटर हो जाते हैं, लिविंग एरिया में हमारे पास प्रोविजन है कि अगर हम घर को लॉक करना चाहें, और जिस तरह से इसके अंदर मैं पहले आपको लेआउट एक्सप्लेन करता हूँ, ये हम लिविंग एरिया में हैं। यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड पे वी हैव द अमेरिकन किचन, और ये लॉन्ड्री है, और ये मेड रूम है जिसको बाहर से डायरेक्ट एक्सेस है फ्रॉम द कॉरिडोर। इन केस अगर हम अपने घर को लॉक करना चाहते हैं, इन केस अगर लेट्स सपोज यू आर लिविंग अब्रॉड और वहाँ पे आपने प्रोविजन देनी है अपने सर्वेंट को सिर्फ कि वो घर को मेंटेन रखे, और आप घर लॉक करके जाना चाहते हैं, यू जस्ट लॉक द हाउस फ्रॉम दिस एंड, और आपका सर्वेंट आपका किचन और जो है आपका लॉन्ड्री एरिया को सिर्फ यूज़ करेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव एक्सेस टू द सर्वेंट फॉर द लिविंग एरिया ऑल्सो, देन यू कैन लॉक योर हाउस फ्रॉम दिस। आप लिविंग के एरिया से इसको लॉक कर सकते हैं, और इस आप पूरा ये वाला एरिया सर्वेंट के यूज़ में या उसके मेंटेनेंस मेंटेन रखने के लिए सर्वेंट के एक्सेस दे सकते हैं। इसके अंदर हमने हर बेडरूम के साथ अटैच बाथ प्रोवाइड किए हुए हैं, जिससे अपनी वॉशरूम्स आ रही हैं, और एक पाउडर रूम प्रोवाइड किया हुआ है, और इसी तरह से मेड का अपना डेडिकेटेड बाथरूम अवेलेबल है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो अपार्टमेंट डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर लेट्स सपोज अगर टू बेड अपार्टमेंट है तो एक बेड के साथ बाथरूम अटैच कर दिया जाता है और बाकी एक इंडिपेंडेंट बाथरूम दे दिया जाता है जिसको कॉमन यूज़ किया जा रहा होता है। लेकिन हमारे डिज़ाइन में हर बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच है, और इस टाइम ये आप देख रहे होंगे टू बेड अपार्टमेंट में हमारे पास चार बाथरूम अवेलेबल है। तो वी आर डिज़ाइनिंग इट ऑन अ लग्जरी एंड द स्पेशियस स्पेस प्लानिंग। Now this is the studio apartment. Studio apartment में जब हम अपने corridor से enter होते हैं तो we have a spacious living area हो रहे हैं, और living area को वो as per your own desired interiors आप उसको या अपने requirement के according आप उसको utilize कर सकते हैं as a living area, और you can use it as a bed also. It depends upon your requirement. We have a American kitchen along with it and one bathroom which will be used for this purpose. And we और यहाँ पे हम इसको proper हर apartment को proper एक अच्छे size का balcony और terraces provide कर रहे हैं। जिस तरह मैं already आपको बता रहा था कि this is not only an apartment project, this is a lifestyle that we are providing to our customers. और इसको हम international standards पे design इसको design किया, और इसके designing जिस तरह मैं बता रहा था हमने बहुत detail में तो केवल 1.5 साल की effort के बाद इसको हमने design इसका lock किया, और इस time पाकिस्तान के बेस्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर और MEP इंजीनियर्स इसके बाकी सर्विसेज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। नाउ कम टू द प्रोजेक्ट, दिस इज आवर लैंडेड टावर, विच इज आवर सेकेंड टावर विच वी आर गोइंग टू लॉन्च। लैंडेड टावर इज द सेम लाइक द जेड टावर, बट इसके प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। लाइक इसके अंदर प्रोग्राम में हमारा 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट, 3 बेड अपार्टमेंट और 2 बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट, 3 बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट एंड द 4 बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इनवाइट अगेन मिस्टर मजीद अहमद खान ऑन द स्टेज टू ब्रीफ अस मोर अबाउट दिस ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ वन कैपिटल रेजिडेंसी। इसके बाद हमने ओवरसीज़ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट शुरू किया। ओवरसीज़ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। इससे पहले आपने पाकिस्तान में बिल्डिंग्स देखी हैं, वर्टिकल बिल्डिंग्स जो बन रही हैं। अब जो कॉन्सेप्ट हमने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया है, मैं चैलेंज करता हूँ कि इससे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताता रहूँ कि शायद 6 महीने बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाए, कॉपी वेस्ट हो जाए। लेकिन एज लॉन्ग एज अगर कोई बंदा हमारी प्रोडक्ट को कॉपी कर रहा है, डिलीवर भी कर रहा है और अच्छे तरह से बना भी रहा है तो हमें कोई इतराज़ भी नहीं, लेकिन सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो उसमें अमूमन जो आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग हैं उसमें जो सर्कुलेशन एरियाज हैं वो 15% होती है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें, इसकी डिटेल्स को देखें,
और इसके जो एरियाज हमने छोड़े हैं ये वाहिद शायद प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सर्कुलेशन 70% है, जिसको आप, आपकी फैमिली, आपके घर वाले, आपके गेस्ट, आपके मेहमान फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करेंगे। ये फीचर आपको कहीं भी नहीं मिलने, इससे पहले आपको अपार्टमेंट में रहते हुए पार्क में जाना पड़ना था, इससे पहले आपको अपार्टमेंट में रहते हुए इस तरह की फैसिलिटीज़, होटल, रेस्टोरेंट, इवन आपके गेस्ट के लिए होटल्स बुक करवाना, इवन सर्विस ऑफिस के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ना था, आज आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपके घर पर मिलेंगी इंशाल्लाह। Now coming on to the main thing, कि what should be the price? आपके बिहाफ में मेरी हमेशा मलिक साहब से लड़ाई होती रहती है। देखिए इम्पॉर्टेंट प्राइस फैक्टर आपको भी पता है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के काम भी कर रहे हैं, कि प्राइस की वेरिएशन जो मटेरियल कॉस्ट है वो किस हद तक इंक्रीज कर चुकी है, एंड देन देर इज नो आइडिया कि कहाँ जाके रुकेगी। बट इवेंचुअली जब ये डेवलपमेंट करनी पड़ती है तो वन हैज़ टू टेक द रिस्क, और हमने इनिशली इस प्रोजेक्ट के जो स्टैंडर्ड अपार्टमेंट की पर स्क्वायर फुट कॉस्ट जो है वो रखी है 10,500 रुपये। आई थिंक कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइस यू गेट ऑफ सच टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट। इट्स नॉट अ टिपिकल प्रोजेक्ट, नॉट अ स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्ट जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आए, जितने आपने इसमें कर्व देखे हैं, जितनी इसके ऊपर मेहनत होनी है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो ये जो कॉस्ट है दैट इज़ ऑल्सो जस्ट अ प्री लॉन्च कॉस्ट। हम इसके अंदर बड़े मिनिमम अपार्टमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर इसको सेल किया जाएगा। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो टोटल पेमेंट टाइम होगा दैट वुड बी 4 ईयर्स विथ 5% डाउन पेमेंट। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आज बुकिंग नहीं करनी, आज कोई बुकिंग अवेलेबल नहीं है, हम आपको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के देंगे, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है ये सिलेक्शन के ऊपर सेल होने हैं, क्योंकि हर जो अपार्टमेंट है उसका जो एरिया है वो डिफरेंट है, और उस एरिया के साथ जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स आएंगे, ग्राउंड फ्लोर के जो चार्जेस होंगे या फर्स्ट के, सेकेंड के, लेगून व्यू के, एयरपोर्ट यार्ड व्यू के, वो एडअप होके उसकी बुकिंग होगी। तो इसकी एक छोटी सी वीडियो हम आपको बना के शेयर करेंगे, जितने भी हमारे सेल्स पार्टनर हैं उनको हम यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, वो जाएंगे और अपने क्लाइंट के लिए वहाँ सेलेक्ट करके एक अपार्टमेंट को फिर बुक करेंगे। दो हमारे पास मीन वाइज जो है टिपिकल जो बुकिंग फॉर्म्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे जिसमें सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, लेकिन प्राइमरीली क्योंकि इन ऑर्डर टू अवॉइड कि आप दो बंदे एक ही अपार्टमेंट को बुक कर रहे हों और वो हमारे पास किसी क्लाइंट से नेगोशिएट करके हमारे पास जमा कराने हैं, वो ऑलरेडी बुक हो चुका हो, तो इसलिए हमने ऑनलाइन ये फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि जो बंदा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ऑनलाइन जाके इस अपार्टमेंट को बुक करेगा हम उसको लेके चलेंगे। और एट द एंड मैं दुआ कहूँ कि आप तमाम लोग इस प्रोजेक्ट से, इस प्रोजेक्ट के साथ जितने लोग मुंसलिक हैं आप लोग भी इससे ढेरों फ़ायदा उठाएँ, और आप लोग के जो क्लाइंट हैं वो भी फ़ायदा उठाएं। ये बड़े लिमिटेड अपार्टमेंट हैं, एंड वेन एवर आई से लिमिटेड दिस मीन बिजनेस, तो इसको सीरियस लेना पड़ेगा आपको। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को आपकी ज़बान का पता है जो मैंने आपको बता दिया, तो इंशाल्लाह ताला इसकी जो फर्दर पेमेंट प्लान्स हैं, जो इसकी फर्दर डिटेल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीक हम शेयर कर देंगे। मीनवाइल हम क्लोजिंग से पहले दुआ करवाएँगे। दुआ करवाने से पहले मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो डिनर है वो रेडी है, आपके लेफ्ट और राइट पे बुफे लगे हैं। दुआ के बाद आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप आराम से बुफेस में जो है वो खाने को एंजॉय करें, और इंशाल्लाह हमारी सेल्स टीम, मैं हर वक्त मौजूद हूँ, जिस तरह की सपोर्ट है उस तरह की सपोर्ट शेयर करने के लिए, इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ हम कमिंग वीक के अंदर शेयर कर देंगे। मैं गुजारिश करना चाहूँगा हाफिज़ आमिर साहब से कि वो आके क्लोजिंग दुआ करवा दें। يا رب لك الحمد
يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله جن لوگوں نے کام شروع کیا ہے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ہم کمزور ہماری محنت کمزور, یا اللہ آپ بڑے آپ کا کام بڑا. یا اللہ ہماری ساری کمزوریوں کو دور کر کے میرے مولا قوت اور انرجی نصیب فرما. اللہ جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے یا اللہ ان کی کسی قسم کی پریشانیاں مشکلات ان میں آسانی فرما, اور جو لوگ اس کمپنی سے منسلک ہیں کسی حوالے سے بھی درجہ بدرجہ یا اللہ پاک سب کو عزتوں سے نواز, اور یا اللہ ہر قسم کی پریشانی اور مشکلات سے محفوظ فرما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. آمين.